लेसन है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर जो बात करते हैं वो होता है हमारा एक दिन का, टाइम टू टाइम, एक घंटे में कैसा मौसम, अब दो घंटे बाद कैसा। जैसे अब चेंजिंग वेदर है तो सुबह और रात को ठंड होती है लेकिन दोपहर में गर्मी लगती है। तो ये वेदर जो है, वेदर इज़ द डे टू डे एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। एक जगह का हम डे टू डे एटमोस्फेरिक कंडीशन लेते हैं, यानी टेम्परेचर कितना है, बारिश हुई नहीं हुई, ये सब। वेदर इंक्लूड चेंज इन टेम्परेचर। वेदर में क्या क्या आता है? टेम्परेचर में चेंज, सनशाइन एंड रेनफॉल। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सनी, क्लाउडी, रेनी, विंडी और फॉगी। ये वेदर को डिस्क्राइब करते हैं। सनी है, क्लाउडी है, रेनी है, विंडी है, फॉग वाला है, फॉगी। वेदर चेंजेस एवरी डे, हर रोज़ वो चेंज होता है। इट मे बी हॉट और ड्राई टुडे, बट टुमारो इट मे बी वेट और रेनी। हो सकता है कि आज ये गर्म और ड्राई हो, ड्राई मतलब बारिश नहीं हुई, लेकिन कल ये रेनी और वेट हो जाए, बारिश हो जाए। द वेदर कंडीशन इन द मॉर्निंग में भी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग में भी वेदर कंडीशन अलग अलग होती हैं। ऑन द अदर हैंड, इसके उलट जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब वो जो वेदर है एक जगह पे, वो कैसा चलता है, वो पैटर्न जो हम देखते हैं, लेकिन ये बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। मीन्स आप ये कह सकते हो 20 साल, 30 साल, इससे ज़्यादा के लिए। फॉर दिस वेदर पैटर्न और एटलीस्ट 20 ईयर्स इज टेकन इन टू कंसिडरेशन। 20 साल तक का हम वेदर देखते हैं। वेदर इज़ टेम्परेरी, तो वेदर तो टेम्परेरी है और चेंज हो जाता है, लेकिन क्लाइमेट परमानेंट है एंड रिमेन्स अ स्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक वही रहता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ मानसून क्लाइमेट। अब इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मानसून क्लाइमेट है। अब इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। हॉट और ह्यूमिड रहता है कंट्री के ज़्यादा पार्ट में, गर्मी पड़ती है। मानसून जो वर्ड है वो अरेबिक मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीज़न, विच मीन्स सीजन्स, लेकिन आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे जिसका मतलब है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। एक्चुअली मानसून का एक्चुअली ये मीनिंग है कि विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है एक टाइम पे। इंडिया इज लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन ड्यू टू विच मोस्ट ऑफ द रेन इज़ ब्रॉट बाय मानसून विंड। अब इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में है, जिसकी वजह से ज़्यादातर बारिश जो होती है यहाँ वो मानसून विंड से होती है, और मानसून विंड्स भी वही होती हैं जो एक टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेती हैं, वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है।